हेलो, गुड इवनिंग ऑल। कैसे आप सब? तो सबसे पहले तो आप लोग बधाई के हकदार हैं और बधाई इस चीज की कि 50,000 सब्सक्राइबर, बहुत बड़ी बात। एक्चुअली ये जो कारवा स्टार्ट हुआ है ना, ज्यादा टाइम नहीं हुआ हम लोगों को, मतलब ऑनलाइन ऐसे क्लासेस देते हुए, उसके बावजूद ये 50,000 हो गया, बहुत खुशी हुई। एक्चुअली उस टाइम पे मेरी क्लास थी, इसलिए मैं सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। बट क्या है कि जश्न तो हर दिन में होगा, बस आप लोग इसी तरह पढ़ते रहिए। और मैं चाहता हूं कि जिस दिन नीट का रिजल्ट आए, हेलो एवरीवन, जिस दिन नीट का रिजल्ट आए उस दिन, मतलब जो विशाल सर कहते हैं ना कि हल्ला हो जाए, बुरा वाला हल्ला हो उस दिन, और ऐसा हल्ला हो कि सब देखते रह जाए, ठीक है। और ये एक बहुत अच्छा शेर मैंने कभी पढ़ा था कि लहरों को शांत देखकर यह मत समझना कि समंदर में रवानी नहीं, लहरों को शांत देखकर यह मत समझना कि समंदर में रवानी नहीं, हम उठेंगे तो तूफान बन के उठेंगे, अभी हमने उठने की ठानी। तो आप लोग भी जरूर कुछ कीजिए, और मजा आ गया मतलब आज देख के कि किस तरह से एक छोटा सा इनिशिएटिव जो कैरियर पॉइंट ने स्टार्ट किया था, वो इनिशिएटिव इस जगह पे पहुंच चुका है कि जहां पे लोग जो है वो देखे, लोग देख के हैरान हुए कि वाह यार, ये एक अच्छा इनिशिएटिव था, और ये अच्छा इनिशिएटिव अच्छा होना चाहिए था जो कि आप लोगों ने करा दिया। बिल्कुल महेंद्र सिंह, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हल्ला मचाएंगे और जरूर मचाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पढ़ाई बहुत जरूरी है, उसी के पीछे ये सब है। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा पढ़िए इन चीजों को, क्योंकि जितना ज्यादा आप लोग पढ़ रहे हैं, जितना ज्यादा सब कुछ होगा, उतना ही ज्यादा मतलब हमें खुशी होगी, ठीक है। ओके, शिव कुमार वर्मा, मान सिंह, वैभव कुमार गुप्ता, यशपाल सिंह राव, सर बायो मॉलिक्यूल जल्दी ही, मैं एक्चुअली सेकंड वाइज चल रहा हूं, अभी स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट जो टॉपिक हुआ था हमारा, वो हुआ था ब्रायोफाइट। इसको थोड़ा सा मैं हल्का से रिवाइज कराऊंगा, हो सकता है कुछ लोग बिल्कुल नए होंगे। नमस्ते, उज्ज्वल शोभिता उत्सव, सर बायोमोलिक्यूल कब शुरू होगा? यशपाल जी, मैंने अभी आपको जवाब दिया है, जस्ट अभी जल्दी ही इसको प्लान आउट करेंगे। फिलहाल जो है नोट्स बनाना जरूरी है। सौरभ कुमार, बिल्कुल जरूरी है नोट्स बनाना, लेकिन सवाल ये उठता है, देखिए कल एक अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए, कल के बारे में मैं बात कर रहा हूं। कल आप लोगों का एक टेस्ट होगा, पांच से छह आप लोगों का टेस्ट होगा, और आप लोगों का जो टेस्ट है वो है लिविंग वर्ल्ड का, तो इस पे बिल्कुल फोकस रखिए। मैं देखिए पहले मैं हर एक चीज का जवाब दे रहा हूं आपको, पहले आप उस बात को सुनिए। सुदीन पात्रा जी हाय, हेलो डॉक्टर जे हाय, हेलो अविनाश हाय, पिंकी आर्या हाय। हमारा टारगेट एम्स है, बोल सकते हो आप, पर मैं एक बात आप लोगों को आज क्लियर कहना चाहूंगा। देखिए बायो में क्या है, बायो में सबसे कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बायो के अंदर प्रैक्टिस करते हैं कि सर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखिए प्रैक्टिस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद, प्रैक्टिस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद होना। याद होने का मतलब है, यदि आपको याद है तो आप 50 क्वेश्चन 50 मिनट में आराम से कर सकते हैं, यदि आपको याद नहीं है इट विल बी बिग प्रॉब्लम फॉर यू। बिल्कुल डॉक्टर जे, ये एनसीईआरटी बेस्ड होगा या नहीं होगा वो मैं देखूंगा, पर मोस्ट प्रोबेबली कोशिश करूंगा कि पूरी पूरी एनसीईआरटी कवर अप हो जाए, ठीक है। उत्सव बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी कैसे पढ़े बेटा? जैसे आपकी मर्जी हो वैसे पढ़े, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपने सही पढ़ा या नहीं पढ़ा वो मैं चेक करूंगा। ऑनलाइन टेस्ट, यशपाल सिंह राव, यस ऑनलाइन टेस्ट है, ओके। तो आप लोग सिर्फ याद कीजिए, बाकी चीजों को मैं देखूंगा कि आपने वाकई सही पढ़ा है, वाकई सही याद है या नहीं है, ये सब हम डील करेंगे। चलिए अब मैं अपने टॉपिक पे आता हूं। तो देखिए ब्रायोफाइट जो हमने कल पढ़ा था उसके बारे में मैं आपको सिर्फ एक उसके लाइफलाइन बता रहा हूं, किस तरह से हमने ब्रायोफाइट पढ़ा था, मैं छोटा सा रिवीजन दे रहा हूं आपको, और वो बहुत जरूरी है। 40 मिनट, 90 MCQ टारगेट, ये आपको कल पता लगेगा, ये मैं कल दूंगा आपको, और इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी, किस तरह से होगा क्या होगा आपको आता है बिल्कुल। प्राची, मेंटीमीटर में ही टेस्ट होगा, ओके। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं, बिल्कुल यहां फोकस कीजिए। मैं आपको एक ब्लैंक स्लाइड के ऊपर बता रहा हूं ब्रायोफाइट में हमने क्या पढ़ा, इधर सुनिए मेरी बात को बस। अब ब्रायोफाइट की जो लाइफ साइकिल है, ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल में हम लोगों ने देखा कि इसकी जो मेन बॉडी थी वो गैमेटोफाइट थी। मैं रिवाइज करवा रहा हूं,
ये जो मेन बॉडी थी गैमेटोफाइट थी, ये गैमेटोफाइट के ऊपर सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट थे, सेक्स ऑर्गन जो था एंथ्रीडिया आर्चिगोनिया थे, एंथ्रीडिया जो था वो एंथेरोजॉइड का फॉर्मेशन कर रहा है, आर्चिगोनिया जो था वो आर्चिगोनिया जो था एग का फॉर्मेशन कर रहा है, दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा विद हेल्प ऑफ वाटर, वाटर का फर्टिलाइजेशन होने की वजह से जाइगोट बनेगा, जाइगोट में से जो है एक स्पोरोफाइट फॉर्म होगा जिसका जो पोर्शन है जिसकी बॉडी डिवाइडेड है फुट सीटे और ये कैप्सूल में, ये सभी डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, ये जो कैप्सूल है इस कैप्सूल में प्रेजेंट होंगे स्पोर मदर सेल, ये भी डिप्लॉयड होंगे, ये डिप्लॉयड जो मदर सेल है ये मियोसिस में जाएंगे और मियोसिस में जाने के बाद में ये हैप्लॉयड स्पोर का फॉर्मेशन करेंगे, ये जो स्पोर है ये जर्मिनेट होगा और जर्मिनेट होके लिवर वॉर्ट का यदि केसेस है तो लिवर वॉर्ट के केसेस में ये फॉर्म करेगा आपका गैमेटोफाइट। लेकिन यदि ये केस है मोसिस का तो मोसिस के केस में क्या होगा, ये मोसिस के केस में एक जुवेलाइन स्टेज बनाएगा जिसको कहते हैं प्रोटोनिमा और ये प्रोटोनिमा ग्रो करके गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेगी। बिल्कुल ठीक है, ये सब हो गया केवीपीआई। ओके, केवीपीआई के बारे में जल्दी आपको इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। ओके ओके, अब हम आगे पढ़ रहे हैं, अब मैं सीधा स्लाइड पे चलूं। ड्राइफाइट के बारे में ये हमने देखा था, ये हमने आर्चिगोनियम का स्ट्रक्चर देखा था, ठीक है। नेक्स्ट, ये हमने एनसीईआरटी के कुछ डायग्राम देखे थे, ब्रायोफाइट के बारे में हमने ये सारी जो पॉइंट्स है ये आपका अवेलेबल है, आप आराम से इकोनॉमिकल इंपोर्टेंस ये सभी देख सकते हैं। नाउ टुडेज टॉपिक इज टेरिडोफाइटा, आज का जो हमारा टॉपिक है ये टेरिडोफाइटा, और टेरिडोफाइट के अंदर हम लोग ये देख रहे हैं कि टेरिडोफाइट में किस तरह से, अब देखो हमने एक लाइफ साइकिल पढ़ ली ब्रायोफाइट की, है ना, ब्रायोफाइट की जो लाइफ साइकिल है उससे टेरिडोफाइटा किस तरह से अलग है पहली चीज, और उसमें किस तरह से प्रोसेस हो रहा है ये हम देखेंगे। लेकिन आपको क्या करना है ये ध्यान से सुनिए, मैं अभी एक एक पॉइंट आपको बता रहा हूं, आप लोग सभी बिल्कुल एक्टिव हो जाइए। बिल्कुल डॉक्टर जे, आर्चिगोनियम होता है, एक्चुअली आर्चिगोनियम की जगह एल्गे में हमने ये पढ़ा कि यूगोनियम होता है, आर्चिगोनियम की जगह एल्गे में हमने पढ़ा यूगोनियम है, यहां पे आर्चिगोनियम ही होगा। प्रोटोनिमा यशपाल सिंह राव, आई थिंक ये आपकी फर्स्ट क्लास है, यदि है तो आप एक बार पिछले वाले लेक्चर को आराम से पढ़िएगा, यदि आपकी फर्स्ट क्लास नहीं है तो मैंने अभी प्रोटोनिमा स्टेज जो बताई है इट इज ए जुवेनाइल स्टेज, ठीक है। महेंद्र सिंह, ये इसके बारे में हम बात करेंगे, याद नहीं होता है, इसके बारे में हम बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा नोन है स्नेक्स ऑफ द प्लांट किंगडम, रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। रीजन क्या है पायल, रीजन ये है कि ये जिस तरह से ये प्रोपगेट करते हैं, ये जिस तरह से आपने देखा होगा ना बेल होती है एक, उस तरह से जमीन के ऊपर इस तरह से फास्टली ग्रो करते हैं और ये वेजिटेटिवली बहुत ज्यादा प्रोपगेट करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज स्नेक ऑफ द प्लांट किंगडम। कुछ डायग्राम्स है एनसीईआरटी के, इन डायग्राम्स के बारे में हम आराम से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा इसके कैरेक्टर्स के बारे में। ध्यान से, बॉटनिकल स्नेक्स, बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल ध्यान दीजिए, बिल्कुल सुनिए मेरी बात को, हम बात कर रहे हैं, अब मुझे भी फोकस करने दीजिए और आप लोग भी फोकस होइए, मैं भी कोई पॉइंट नहीं छोड़ना चाहता, आप लोग इस बात को बिल्कुल देखिए, बायो है एक से एक पॉइंट लिंक करता है, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि जब टेरिडोफाइट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग बोलते हैं ये सीडलेस वैस्कुलर प्लांट्स। सबसे पहले यहां पे ये एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सीडलेस वैस्कुलर प्लांट्स क्यों है। तो देखिए सीडलेस वैस्कुलर प्लांट इसलिए है क्योंकि यहां पे हम लोग ये इस चीज को ध्यान दें कि सीड फॉर्मेशन के लिए क्या जरूरी है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे, और सीड फॉर्मेशन के लिए क्या तो जरूरी है और यहां पे सीड नहीं बना उसका क्या रीजन। सबसे पहली बात मैंने ये कही है सीड फॉर्मेशन के लिए क्या जरूरी है और यहां पे क्या नहीं बना, क्यों नहीं बना सीड, किस कारण से नहीं बना, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एक एक पॉइंट्स के बारे में यहां देखते हैं और आप लोगों को बिल्कुल फोकस रखना है। देखो बच्चों, जब भी आप टेरिडोफाइटा ब्रायोफाइटा करेंगे पॉइंट्स गिन लेंगे टोटल कितने हैं, ठीक है, पॉइंट्स गिनेंगे और पॉइंट्स गिनने के बाद में आप रिकॉल करेंगे बैठ के कि हाँ पहला पॉइंट ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था, चौथा ये था। आपको कभी भी ये जो दिक्कत आ रही थी ना महेंद्र के साथ में कि याद नहीं होता है, एक्चुअली याद नहीं है, रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं।
याद में है, रिकॉल नहीं कर पा रहे हो। रिकॉल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? चीजें इंटरलिंक्ड नहीं की हमने, एक दूसरे से लिंक नहीं की है। यदि हम लिंक करेंगे आराम से याद होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, बिल्कुल फोकस कीजिए। कैरियर पॉइंट कमांडो, मैं जानता हूं आपको। चलिए, सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं हम। ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर सीड का फॉर्मेशन ही हुआ। यदि आपसे कोई पूछे कि सबसे पहला सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट कौन थे, तो वो थे टेरिडोफाइटा। और टेरिडोफाइटा के सक्सेसफुल होने का रीजन है इसमें वेस्कुलर टिश्यूज का प्रेजेंट होना, जाइलम और फ्लोएम का। लेकिन यदि आपको यदि पूछा जाए कि पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट कौन से थे, तो आप उसमें आंसर देंगे ब्रायोफाइट, क्योंकि ब्रायोफाइट पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट थे, बट उनको रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, लेकिन यदि आपको बोला जाएगा फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, तो जो फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट्स थे वो आपके थे टेरिडोफाइटा। रीजन था इनके पास में जाइलम और फ्लोएम का होना। और जिस पॉइंट के ऊपर मैं फोकस करवा रहा हूं, आप लोगों का पूरा फोकस उसी पे हो, बिल्कुल। दूसरी चीज हम कह रहे हैं सीडलेस है, सीड का फॉर्मेशन नहीं होगा, वेस्कुलर प्लांट्स है, पहली चीज। दूसरा, ये देखिए कूल डैम्प शेडी प्लेसेस में, सैंडी सॉइल में मिलते हैं, कूल डैम्प शेडी प्लेसेस में ये मिलते हैं। इनमें इन्हीं के कारण ये हर जगह नहीं मिलेंगे, ये इस पूरे ज्योग्राफिकल लोकेशंस में कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस हैं जिनके अंदर ही मिलेंगे ये। ठीक है, उनके अंदर ही पाए जाते हैं, इसीलिए ये कहा जाता है दे आर रेस्ट्रिक्टेड टू नैरो ज्योग्राफिकल रीजन, सब में नहीं पाए जाते। रीजन क्या है? कूल डैम्प शेडी प्लेसेस और सैंडी सॉइल में सबसे अच्छे उगते हैं। ओके, सिर्फ दो पॉइंट किए अभी हमने, कूल डाउन दो पॉइंट किए हैं, रिकॉल करवाएंगे, रिकॉल करवाएंगे, ये दो पॉइंट हो गए हमारे। तीसरा पॉइंट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तीसरा जो पॉइंट है, हमने ये देख लिया है वेस्कुलर टिश्यूज यहां पे प्रेजेंट है, डोमिनेंट फेज स्पोरोफाइट है। मैं अभी सब स्लाइड्स के ऊपर समझाऊंगा आपको, हर एक चीज स्लाइड के ऊपर होगी, अभी सिर्फ हम ये पॉइंट्स देख रहे हैं कौन कौन से पॉइंट्स हैं। डोमिनेंट फेज है स्पोरोफाइट, इसका मतलब डिप्लॉइड जो होगा मेन बॉडी होगी, डिफरेंशिएटेड बॉडी है बिल्कुल, रूट लीफ स्टेम में। लीफ दो टाइप की है, एक तो है छोटी साइज में, एक है बड़ी साइज में। जो छोटी साइज में है स्मॉल साइज की उसको हम कह रहे हैं माइक्रोफिल, और जो लार्ज साइज की है उसको हम कह रहे हैं मैक्रोफिल, लार्ज साइज। फोकस फोकस, अभी हमने सिर्फ चार पांच पॉइंट किए, ध्यान से सुनिए। लीफ जो है इसके पास में स्पोरिंजिया होते हैं जिसको स्पोरोफिल कहते हैं, ऐसी लीव्स को आ रहा है, सब आ रहा है, पायल इतनी आगे मत जाओ। हम गैमेट ट्रांसफर क्यों बात करें अभी, अभी तो हमने एक स्लाइड पढ़ी भी नहीं है, अभी मैं स्लाइड में सारी चीजें बताऊंगा। लीफ स्पोरोफिल, स्पोरिंजिया में स्पोरोजिनस टिश्यूज होंगे, सुनते जाइए, स्पोरोफिल कॉम्पैक्टली अरेंज होंगे स्ट्रोबिलिया कोन में, होमोस्पोरस कुछ हेट्रोस्पोरस है, स्पोर जो होगा जर्मिनेट करेगा और उससे बनाएगा एक मल्टीसेलुलर फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर नोन एज प्रोथेलस। बस आपको यही देखना, बस आपको यही देखना है। अब मैं आ रहा हूं एक स्लाइड में, यहां से हमारा जितने भी 62 आर वॉचिंग एंड 56 लाइक्स हैं, लाइक करो सबसे पहले, लाइक करो और अब मेरी बात सुनो। अब हम बात कर रहे हैं टेरिडोफाइटा के बारे में, सब यहां पर फोकस रखिए। टेरिडोफाइट्स, चलिए बिल्कुल फोकस रहे, कहीं कोई एक पॉइंट ना छूटे, ध्यान से सुनिए। हम बात कर रहे हैं टेरिडोफाइटा की, टेरिडोफाइटा की जो मेन बॉडी है, सबसे पहली बात, इसकी जो मेन बॉडी है वो है स्पोरोफिटिक 2N, एंड द बॉडी इज वेल डिफरेंशिएटेड, पूरी तरह डिफरेंशिएट है, रूट सिस्टम है, ठीक है, स्टेम है, ब्रांचेस है, और इसके ऊपर लीफ है इस तरह से, ठीक है। ये जो लीफ है ये दो तरह की है, डिप्लॉइड, दिस इज डिप्लॉइड बॉडी, इसके ऊपर जो लीफ है दो तरह की है, एक छोटे साइज में है जिसको कह रहे हैं माइक्रोफिल, एक बड़े साइज में है जिसको कह रहे हैं मैक्रोफिल, ओके। और कई बार क्या हो रहा है, ये माइक्रोफिल और मैक्रोफिल, ये माइक्रोफिल और मैक्रोफिल दोनों
कई बार कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहे हैं इस तरह से। देखो इक्विसिस्टम का डायग्राम है, ध्यान से देखिए, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, रूट, एंड दिस वन इज ए कॉम्पैक्ट लीफ स्ट्रक्चर। यहां पे बहुत सारी लीफ थी, ये कॉम्पैक्ट हो गई, ऐसी माइक्रोफिल या माइक्रोफिल। ये जो लीफ है, अब ये जो स्ट्रक्चर बना है, इसको बोलते हैं स्ट्रॉबिलस या कोन या स्ट्रॉबिलाई। हाय मानिया, हाय जोकर सिंह, वाओ गुड, क्रिस्टल ट्यूब, आप सतीश कुमार पे फोकस करो। हाय मुस्कान, सुनते जाइए। स्ट्रॉबिलस या कोन ये कॉम्पैक्ट है। अब ये जो लीफ है ना इसकी, टेरिडोफाइटा की, इस टेरिडोफाइटा की लीफ के नीचे गोले गोले से कुछ स्पोर बेयरिंग स्ट्रक्चर है जिसको कहते हैं स्पोरेंजिया, इस लीफ के नीचे। और ये जो स्पोरेंजिया है ये अपने आप में डिप्लॉयड होगा, इसके अंदर सेल्स होंगे। अब ध्यान से सुना, इसके अंदर क्या होंगे, सेल्स होंगे, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, ये अभी हमने ये पॉइंट पढ़े, रूट इसकी वेल डेवलप्ड है, मेन बॉडी डिप्लॉयड है, लीफ के बारे में पढ़ लिया, दो डिफरेंट टाइप का है। इसके लीफ के नीचे जो स्ट्रक्चर है उसको हम कह रहे हैं क्या, स्पोरेंजिया। और ऐसी लीफ, ध्यान से सुनना, ऐसी लीफ जिसमें स्पोरेंजिया हो, ऐसी लीफ जिसमें स्पोरेंजिया हो उसको कहते हैं स्पोरोफिल, ओके। अब ये जो स्पोरोफिल है, ये स्पोरेंजिया के अंदर है सेल्स, स्पोर मदर सेल्स, और स्पोर मदर सेल क्या बनाएंगे, स्पोर्स बनाएंगे। और ये स्पोर जो हो सकते हैं होमोस्पोरस एक ही टाइप के, या हो सकते हैं हेट्रोस्पोरस। अब यहां पे हमारा काम हो गया है, हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला हो रहा हो, बिल्कुल हो सकता है। इशिता, हाय इशिता, हाय हेलो, ध्यान से सुनिए। हाय रेनू यादव, अब थोड़ा सा यहां पे कंफ्यूजन हो सकता है कि ये क्या हो गया एकदम से, कौन से स्पोर्स, कैसे स्पोर्स, कहां से, क्या, क्यों। होल्ड, अब मेरी बात सुनो। देखिए टेरिडोफाइटा की जो मेन बॉडी है ना, टेरिडोफाइटा की जो मेन बॉडी है, वो मेन बॉडी क्या है, वो मेन बॉडी है, इधर ध्यान दो सब, कैसे आप इधर ध्यान दो, इसकी जो मेन बॉडी है वो है आपकी डिप्लॉयड, यही तो है। ये जो डिप्लॉयड बॉडी है इसमें है लीफ्स, और उन लीफ के नीचे, ये देखिए लीफ है, इन लीफ के नीचे कुछ स्ट्रक्चर है जिसको हम कह रहे हैं स्पोरेंजिया, ठीक है। ये जो स्पोरेंजिया है इस स्पोरेंजिया, इस लीफ को हम कहेंगे स्पोरोफिल। ये स्पोरेंजिया है, इस स्पोरेंजिया के अंदर है स्पोर मदर सेल, ध्यान से, स्पोर मदर सेल। ये जो स्पोर मदर सेल है ये डिप्लॉयड है, ये स्पोर मदर सेल जाएगा मियोसिस में, और मियोसिस में जाने के बाद में ये स्पोर्स बनाता है, ओके। दीक्षा त्रिवेदी हाय, माधुरी हाय, बिल्कुल बिल्कुल, पिंकी आर्या, ध्यान से सुनते रहिए, स्पोर्स बना रही है। ये जो स्पोर बने हैं, अब हम टेरिडोफाइटा के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो टेरिडोफाइटा है ये दो टाइप के हैं, कुछ है होमोस्पोरस जो एक ही टाइप के, वन टाइप के स्पोर बनाते हैं, कुछ है हेट्रोस्पोरस, बस जितना समझा रहा हूं अभी उतना समझो, जो दो टाइप के स्पोर बना रहे हैं, टू टाइप्स। ये दो टाइप के स्पोर कौन से हैं, एक तो है माइक्रोस्पोर और एक है मेगास्पोर। जो माइक्रोस्पोर है ये मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करता है, जो मेगास्पोर है ये फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करता है, बस अभी इतना ही। किस किस को ये बात पूरी समझ में आ गई, फटाफट मुझे रिप्लाई दीजिए। हाय हिमांशु नायक, आरबीजी, हाय आरबीएच, फटाफट मुझे बताइए जल्दी से, क्या आपको ये चीज सिर्फ समझ में आ गई। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मेन बॉडी डिप्लॉयड है, उसके ऊपर लीफ है, लीफ जो है जो उसके अंदर स्ट्रक्चर है स्पोर जनरेटिंग स्ट्रक्चर स्पोरेंजिया, जिन लीफ में ये है उनको कह दिया स्पोरोफिल,
ठीक है, ये जो स्पोरिंजिया इसके अंदर स्पोर मदर सेल है वो डिप्लॉइड है, उसके अंदर मियोसिस होके स्पोर बनाएगा। स्पोर दो टाइप का हो सकता है, ये जो स्पोर है या तो कुछ ऐसी स्पीशीज है टेरिडोफाइटा की जिनको हम कहते हैं होमोस्पोरस, या कुछ है जिनको हम कहते हैं हेटरोस्पोरस। होमोस्पोरस सिर्फ एक टाइप का स्पोर बनाते हैं, हेटरोस्पोरस दो टाइप के स्पोर बनाते हैं, एक माइक्रोस्पोर एक मेगास्पोर। जो माइक्रोस्पोर होता है वो मेल गैमेटोफाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो मेगास्पोर है वो फीमेल गैमेटोफाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बस इतना ही, इतना ही, अभी इतना ही। अब आगे आगे चल ले, ध्यान से वापस एक और स्लाइड, ध्यान से सुनो। अब यहां से मैं स्टार्ट करूं, यहां से मैं स्टार्ट करूं टेरिडोफाइटा, थोड़ा प्लीज फोकस रखिए। देखो टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइटा, ध्यान से अब मैं पूरी लाइफ साइकिल बता रहा हूं इसकी। टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा दो टाइप के हो सकते हैं, या तो हो सकते हैं होमोस्पोरस या हो सकते हैं हेटरोस्पोरस। ओके, ये जो होमोस्पोरस है, ये होमोस्पोरस एक टाइप का स्पोर बनाएंगे। कैसे? ये लीफ है, ये लीफ में से स्पोर निकलेगा, दिस इज द स्पोर। ये स्पोर होगा हैप्लॉइड, ये जो होमोस्पोरस है ये मेन बॉडी है डिप्लॉइड, इसमें से मियोसिस होके बना स्पोर, दिस इज स्पोर। ये स्पोर होगा अब जर्मिनेट, ध्यान से, ये स्पोर होगा जर्मिनेट, डिस्पर्स हो गया एयर के थ्रू, एयर के थ्रू डिस्पर्स हुआ, और ये अब क्या करेगा? जर्मिनेट। ये जब जर्मिनेट करेगा, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये जर्मिनेट करेगा तो हैप्लॉइड एक स्ट्रक्चर बनाएगा, देखो किस तरह का है। दिस इज ए हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, दिस हैप्लॉइड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको, ये दिख रहे हैं, ये है राइजोइड्स, इसके पास राइजोइड्स भी हैं। ये कैसे कलर का है? ये ग्रीन कलर का है। पहली चीज मल्टीसेलुलर है, ग्रीन कलर का है, मल्टीसेलुलर है, देख रहे हैं, ग्रीन कलर का है तो फोटोसिंथेटिक होगा, ग्रीन कलर का मल्टीसेलुलर फोटोसिंथेटिक। ये दिस इज ए गैमेटोफाइट, इसको क्या कहेंगे हम? प्रोथेलस। ये प्रोथेलस है। अब ये प्रोथेलस किन से बनाए? ये बनाए सिर्फ एक सिंगल स्पोर से, होमोस्पोरस वाली प्रजाति ने बनाया है इसको, होमोस्पोरस वाले टेरिडोफाइटा ने बनाया। अब इसके ऊपर क्या होगा, ध्यान से देखना बच्चों। इधर ये आर्चिगोनियम है, देखो मैंने उल्टा बना दिया आर्चिगोनियम, दिख रहा है? ये इस तरह से अपर सरफेस पे तो होंगे इसके आर्चिगोनियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन, ये देखिए आर्चिगोनियम। ओके, और इसके लोअर साइड में इधर देखो, इधर ये इसके एंथ्रीडिया या एंथ्रीडियम, ऊपर आर्चिगोनियम नीचे एंथ्रीडियम, ये पड़ा है बिल्कुल। इसके इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनकॉन्स्पिशियस, अस्पष्ट, कुछ पता ही नहीं लग रहा, मल्टीसेलर सा स्ट्रक्चर है, देख के कुछ पता ही नहीं लग रहा क्या है ये, हरा कलर का है, गुच्छा सा पड़ा हुआ है, इस तरह की शेप है, ऊपर आर्चिगोनियम है, नीचे एंथ्रीडियम है, जमीन पे पड़ा हुआ है। अब यू पानी चलेगा, पानी चलेगा, इक्विसिटम बनाएंगे, इक्विसिटम बनाएंगे। अंकित कुमार, राइजोइड्स है, यस राइट। प्रतीक, हाँ इसके बारे में बात करेंगे। अब पानी यू चढ़ा, यहां से एंथीरोजॉइड तैरते हुए सीधा किसके अंदर घुस गए? यहां पे, और यहां पे फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन होके क्या हो गया यहां पे? यहां पे बन गया जाइगोट, और ये जाइगोट आगे किसका फॉर्मेशन करेगा? स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन कर देगा। ये एक ही प्रोथेलस है जिसके अंदर मेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट है, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट है, तो यहां पे कंडीशन क्या हुई? मोनोशियस। ओके डन, आ गया आप सबको समझ में? बिल्कुल क्रिस्टल, व्हाट यू आर डूइंग, मुझे कुछ क्रिस्टल के तो कमेंट के दिखे नहीं, ध्यान से। इक्विसिस्टम ने बनाया सर, बिल्कुल। कृतांश बोलिए बोलिए बोलिए, अपर साइड आर्चिगोनियम, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, स्पोरोफाइट, यस राइट राइट, ध्यान से सुनिए।
अब ये हो गया, हमने होमोस्पोरस का पढ़ा है ना। अब मैं आपको हिट्रोस्पोरस का बता रहा हूं क्या हुआ। हिट्रोस्पोरस ने दो टाइप के गैमेट बनाए, एक तो बनाया माइक्रोस्पोर, एक बनाया मेगास्पोर। जो माइक्रोस्पोर है ना, माइक्रोस्पोर, ये माइक्रोस्पोर ने क्या किया, ये माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड था, ये आगे जाके जर्मिनेट किया और जर्मिनेट करके इसने फॉर्म कर दिया एक डायोशियस स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर बनाएगा वो एक्चुअल में मेल गैमेटोफाइट है, ओके। ये मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेगा। मेगास्पोर ये बनाएगा फीमेल गैमेटोफाइट, ओके डन। ये जो मेल गैमेटोफाइट है, फीमेल गैमेटोफाइट है, इसमें वही वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन, वाटर के थ्रू ये स्विम करेगा और वाटर के बाद में यहां पे एक जाइगोट स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन हो जाएगा विद द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट। अभी हमने यहां सीड की बात नहीं की है, आराम से देख लीजिए। वाटर चाहिए, वाटर रिक्वायर्ड है, वाटर रिक्वायर्ड है, बिल्कुल सही बात है, वाटर चाहिए। तो सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल भाई, इतनी बड़ी बॉडी है, बॉडी के बाद में एक और चीज है सबसे इंपॉर्टेंट कि वेल डेवलप्ड वैस्कुलर सिस्टम है, ओके डन। ये प्रोथेलस का केस बताया है मैंने यहां पे, ठीक है। ये वाटर या एयर के थ्रू यहां पे, ये ना ये वाला जो है, एक मिनट रुको, आप स्लाइड्स में देखो, आप यहां पे हम लोगों ने ये बात बताई है। इधर देखिए आप, मेगास्पोर माइक्रोस्पोर फॉर्मड मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट। अभी आ रहा हूं इस पे, अभी मैं आऊंगा इस पे, और ये बात ध्यान रखना, यहां पे गैमेटोफाइट के पास में दोनों सेक्स ऑर्गन होंगे। होमोस्पोरस जो है मोनोशियस प्रोथेलस बनाना है, एंथेरोजोइट मल्टी सेलुलर बाइफ्लेजिलेटेड होते हैं, जाइगोट अब डेवलप कर जाएगा एम्ब्रियो में। अब यहां पे जो आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, इसका आंसर मैं आगे दूंगा, अभी थोड़ा सा होल्ड करो, थोड़ा सा होल्ड कीजिए। अब मेरी बात सुनिए आप, यहां पे हमने ये देख लिया कि होमोस्पोरस हेट्रोस्पोरस किस तरह से डेवलपमेंट कर रहे हैं, और यहां पे जो एंथेरोजोइट है मल्टी या बाइफ्लेजिलेटेड है, ठीक है, इज देयर इज रिडक्शनल डिवीजन इन मियोसिस, बिल्कुल होगा। प्रतीक क्या बोल रहे हो आप, व्हाट इज जर्मिनेशन, जर्मिनेशन आप हिंदी मीडियम से है तो अंकुरण, बिल्कुल प्राची, बिल्कुल। इधर ध्यान से सुनिए मेरी बात को, यहां पे सब कुछ हुआ, पर सीड नहीं, जो सीड बनाया ना, सीड वो कंप्लीटली डेवलप नहीं हो पाया, सीड का फॉर्मेशन नहीं हो पाया। यहां पे जाइगोट ने बना दिया आपका वापस स्पोरोफाइट। तो सवाल ये उठता है, यहां पे सीड क्यों नहीं बना। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए सीड बनने के लिए क्या जरूरी है। देखिए, सीड बनने के लिए सबसे ज्यादा जो चीजें जरूरी है, मैं उसके बारे में बात करता हूं, ध्यान से सुनिए। ये आपने स्लाइड देख ली है किस तरह से काम हो रहा है। मैं बात कर रहा हूं आपके सीड फॉर्मेशन के लिए। देखिए, जब भी सीड फॉर्मेशन के बारे में आप बात करोगे, तो सीड फॉर्मेशन के लिए आपको क्या रिक्वायर्ड है, सीड फॉर्मेशन के लिए आपको रिक्वायर्ड है सबसे पहले इंटेग्यूमेंट्स। आपने क्लास टेंथ में पढ़ा है ओव्यूल की चारों तरफ, ये देखिए इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ लिप लाइक स्ट्रक्चर, ये आपने देखे होंगे इस तरह से, है ना। ये इंटेग्यूमेंट इज नेसेसरी, इंटेग्यूमेंट ही आगे वॉल का फॉर्मेशन करते हैं टेस्टा और टेजमेंट का, ओके। प्रतीक, नॉट फ्रॉम हिंदी मीडियम, माई कंसेप्ट वॉज नॉट क्लियर, थैंक्स, ओके। प्रतीक, जर्मिनेशन का मतलब होता है सुटेबल सब्सट्रेट पे जाके वो जिस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो चीज का फॉर्मेशन करे। तो सबसे पहले इंटेग्यूमेंट है। दूसरा यहां पे देखिए क्या है, हम एंजियोस्पर्म के बारे में यदि बात करें, ध्यान से सुनिए बच्चों, यदि हम एंजियोस्पर्म के बारे में बात करें, तो मेन जो बॉडी होती है, ये जो मेन बॉडी है, इस मेन बॉडी के ऊपर ही मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट मिलते हैं, ये इंडिपेंडेंट नहीं होते, ठीक है। अब फीमेल जो गैमेटोफाइट है, इसके अंदर एग का रहना, इसके अंदर इस पूरे स्ट्रक्चर का बने रहना, यहां पे क्या हो रहा है, देखिए
यहां पे ये हो रहा है कि इंटेग्यूमेंट तो है ही नहीं, यहां पे ये हो रहा है कि इंटेग्यूमेंट तो है ही नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो मिसिंग है यहां पे। और दूसरा जो मेगा स्पोर है आपका, वो मेगा स्पोरिंजियम के अंदर है ही नहीं, लंबे टाइम तक परमानेंटली है ही नहीं। मेगा स्पोर किसके अंदर नहीं है? मेगा स्पोरिंजियम के अंदर नहीं है। जब अंदर रहेगा ही नहीं तो अब जो डेवलपमेंट होगा वो बाहर होगा। जब ये रहेगा नहीं, अब जो डेवलपमेंट होगा वो कहीं ना कहीं और होगा, और फटाफट क्या होगा, स्पोरोफाइटिक कंडीशन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये दो चीजें नहीं है यहां पे, इसीलिए यहां पे सीड का फॉर्मेशन जो है वो नहीं हो रहा है। सारा रिपीट करूंगा मैं, टेंशन मत लो। बट यहां पे कौन सी चीज है, यहां पे कौन सी एक ऐसा इवेंट हुआ है जिसने ये बता दिया कि हां अब सीड का फॉर्मेशन होगा? वो थी आपकी हेटरोस्पोरस होना। हेटरोस्पोरस होना एक ऐसी हैबिट है, एक ऐसा पहला स्टेप है, एक ऐसा प्रिकर्सर इवेंट है जो ये बताते हैं कि अब आगे आने वाले जो भी जनरेशन होगी वो सीड का फॉर्मेशन करेगी। यहां से वो प्रिकर्सर हैबिट स्टार्ट होगी। हिमांशी कौशिक, यहां पे ऐसा कुछ नहीं होगा, ये एंजियोस्पर्म का है। इंटेग्यूमेंट इज द आउटर कवरिंग ऑफ न्यूसेलस आर द सेल्स विच फॉर्म स्पोरिंजिया, माइक्रोस्पोरिंजिया, मेगास्पोरिंजिया, मेगास्पोर, मेगास्पोरिंजियम के बाहर वाली जो पूरी लेयर है उसके बारे में आगे आ रहा है। ब्रजेश कुमार, टेरिडोफाइटा प्रिकर्सर हैबिट इसलिए है क्योंकि इसके बाद जो प्लांट्स आए उनके अंदर हेटरोस्पोरस होगा। यहां पे देखो कुछ होमोस्पोरस भी है ना, होमोस्पोरस भी है, और होमोस्पोरस जो है वो जो है ये सीड हैबिट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हेटरोस्पोरस आएगा जब अलग अलग दोनों गेमिटोफाइट का फॉर्मेशन होगा। गेमिटोफाइट में फीमेल गेमिटोफाइट के अंदर मेगास्पोर मेगास्पोरिंजियम के अंदर बना रहेगा, तब जाके सीड का फॉर्मेशन। ठीक है, चलिए अब एक बार फटाफट मैं रिवाइज करा देता हूं क्योंकि ये कंफ्यूजन हो जाएगा वरना आप लोगों को कि हुआ क्या है एक्चुअली। सबसे पहले ये हमने देख लिया टेरिडोफाइटा की क्लासेस के बारे में मैं बात नहीं करूंगा, पहले हम वापिस सब देख लेते हैं। ठीक है, ओके। विशाल चौहान, वापिस हम सब देख रहे हैं, अब एक बार सब एक्टिव हो जाइए वापिस। मैं आपको टेरिडोफाइट्स की वापिस उन्हीं स्लाइड्स पे ले जाके बता रहा हूं आपको क्या क्या हम देख चुके हैं। देखिए, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं स्लाइड नंबर टू से बात कर लेते हैं। चलिए हम स्लाइड नंबर टू से बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। स्लाइड नंबर टू में हमने ये देखा, ध्यान से सुनिए इधर, स्लाइड नंबर टू में ये देखा कि मेन बॉडी जो है टेरिडोफाइटा की वो डिप्लॉयड है। इस डिप्लॉयड बॉडी के ऊपर डिफरेंट टाइप की लीफ्स है। अभी हम डायग्राम देखेंगे सारे। एक तो कुछ छोटी लीफ्स है जिसको माइक्रोफिल कहा, कुछ बड़ी लीफ है जिसको मैक्रोफिल कहा। पूरे जो डिप्लॉयड लीफ है, कई बार इन लीफ के पास में स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर होता है जिसको स्पोरिंजिया कहते हैं। ये जो स्पोरिंजिया है जिन लीफ में होता है उनको स्पोरोफिल कहते हैं। स्पोरिंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल होता है। ये जो स्पोर मदर सेल है ये स्पोर का फॉर्मेशन करता है, और ये कई बार कॉम्पैक्ट कोन का फॉर्मेशन करते हैं। कॉम्पैक्ट लीफ कॉम्पैक्टली एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको स्ट्रोबिलाई या कोन कहते हैं। ओके, पहली बात ये पढ़ी हमने स्लाइड नंबर दो में ये पढ़ा। ठीक है, स्लाइड नंबर तीन में क्या पढ़ा हमने ये कहा मेन बॉडी जब इसकी डिप्लॉयड है, लीफ के नीचे इस तरह के स्ट्रक्चर है स्पोरिंजिया। ये स्पोरिंजिया स्पोर का फॉर्मेशन करेगा मियोसिस के थ्रू। ये स्पोर दो टाइप के हो सकते हैं, या तो हो सकते हैं ये प्लांट जो है टेरिडोफाइटा होमोस्पोरस हो सकता है, एक ही प्लांट के जो है स्पोर एक जैसे फॉर्म करे। ये हो सकता है हेटरोस्पोरस, दो टाइप के पड़े। दो टाइप में एक होगा माइक्रोस्पोर जो कि मेल गैमेटोफाइट का रिस्पॉन्सिबल है, दूसरा होगा मेगास्पोर जो कि फीमेल जो है गैमेटोफाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। चौथी स्लाइड क्या देखी हमने? ठीक है, एक और स्लाइड है उसके बारे में हम बात करते हैं। कहां गई हमारी चौथी स्लाइड? चलिए इधर देखिए। अब इस वाली स्लाइड में हमने क्या देखा? हमने देखा टेरिडोफाइट दो टाइप के, होमोस्पोरस। होमोस्पोरस की मेन बॉडी डिप्लॉयड है। गुड इवनिंग संयोगिनी। ओके, मेन बॉडी डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड जो बॉडी है इसके अंदर मियोसिस हो रहा है। मियोसिस होने के बाद में स्पोर का फॉर्मेशन कर रहा है होमोस्पोरस। ये जो है जर्मिनेट कर रहे हैं। ये जर्मिनेट करके एक ग्रीन कलर का
मल्टीसेलुलर फोटोसिंथेटिक, बिल्कुल अस्पष्ट एक स्ट्रक्चर बना रहे थक्का सा, जिसको हम कह रहे हैं प्रोथेलस। इट रिप्रेजेंट द गैमेटोफाइट। होमोस्पोरस मोनोशियस बनाएंगे प्रोथेलस, जिसके अपर पार्ट में आर्चिगोनियम, लोअर पार्ट में एंथ्रेडियम होगा। इसके पास राइजोइड्स भी होते हैं। ये डिपेंडेंट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक है। वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, वाटर जो इस तरह से चढ़ेगा, और ये जो एंथेरोजॉइट्स है जो कि यहाँ पे देखो, यहाँ फिर मैं थोड़ा सा हाई लेवल पे नहीं जाना चाहता कि यहाँ पे जो है एंथ्रेडिया और आर्चिगोनिया होता है। आर्चिगोनिया के स्ट्रक्चर हम जो है पहले पढ़ चुके हैं। ये आर्चिगोनियम जो है इसके अंदर इस तरह से एंथ्रेडियम पानी के साथ में अंदर जलाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन बनाएगी जायगोट, और जायगोट डेवलप हो जाएगा स्पोरोफाइट। ओके, आगे आगे हम बोल रहे हैं हेटरोस्पोरस है। एक तो है माइक्रोस्पोर, दूसरा है मेगास्पोर। जो माइक्रोस्पोर है ये जर्मिनेट करके मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करता है, मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करता है, और इन दोनों का फर्टिलाइजेशन होने की वजह से फॉर्म्ड होते हैं आपके क्या, जायगोट। नेक्स्ट नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है उसके ऊपर जाते हैं हम। हमने ये देखा कि गैमेटोफाइट के ऊपर ही प्रेजेंट होंगे आपका, गैमेटोफाइट के ऊपर ही प्रेजेंट होंगे आपके सेक्स ऑर्गन्स। जस्ट होल्ड फॉर ए मिनट। गैमेटोफाइट के ऊपर ही प्रेजेंट होंगे यहां पे आर्चिगोनियम और एंथ्रिडियम, ये देखिए। दूसरा हमने एंथेरोजॉइट के बारे में पढ़ा, मल्टी और बाइफ्लेजिलेटेड। ओके, नेक्स्ट हमने ये पढ़ा कि यहां पे एक प्रिकर्सर हैबिट है, सीड हैबिट है, जिसकी वजह से यहां पे सीड बना नहीं लेकिन एक हैबिट आ गई, हेटरोस्पोरस होना। कई सारे हेटरोस्पोरस है जो सीड नहीं बना पाए, क्यों? रीजन इंटेग्यूमेंट नहीं है। दूसरा यहां पे मेगा स्पोर, लंबे टाइम तक मेगा स्पोरेंजियम के अंदर नहीं, परमानेंटली नहीं रह रहा है, इसीलिए यहां पे सीड का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। यहां तक आपको आ गया होगा, आगे हम बात करते हैं। टेरिडोफाइटा की चार क्लासे हैं। सबसे पहला सिलोसिडा, सिलोतुम, लाइकोप्सिडा, सिलाजिनिला या लाइकोपोडियम, स्पिनोप्सिडा, एक्विसिटम, टेरिडोप्सिडा, ड्राइप्टेरिस, टेरिस और एडिएंटम। एडिएंटम इज ऑल्सो नोन एज वॉकिंग फर्न। ओके, चलिए ये हमने देख लिया। आगे हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइटा के बारे में, ध्यान लगा के सुनिए। सबसे पहला सॉइल बाइंडर है, रूट अच्छी है, रूट बाइंड कर लेती है, और ये क्या कर रहा है, सॉइल इरोजन को रोक रहा है। सर वाटर हर टाइम जर्मिनेशन के टाइम कैसे अवेलेबल होता है, दे आर नॉट एक्वेटिक, बिल्कुल सही है। लेकिन वाटर देखिए, सब्सट्रेट जो होते हैं ना, सब्सट्रेट जिसके ऊपर ये जा रहा है, वो सब्सट्रेट के पास में ये, जब भी आप जर्मिनेशन पढ़ते हैं उसके अंदर हमेशा एक बात ध्यान रखना कि जर्मिनेट होने के लिए वाटर रिक्वायर्ड है, चाहे वो एटमोस्फियर में ह्यूमिडिटी हो थोड़ी सी, है ना, यस से योगी नहीं, बिल्कुल इसी टाइम पे होती है, चाहे एटमोस्फियर में थोड़ी सी ह्यूमिडिटी है या सुटेबल सब्सट्रेट हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट ड्राइप्टेरिस। ड्राइप्टेरिस में एक एंटी हेलवेंटिक ड्रग मिलती है, ड्राइप्टेरिस, ये बहुत ऑर्नामेंटली बहुत यूज होते हैं क्योंकि बहुत ग्रेसफुल इसके लीव्स है, बहुत अच्छी लीव्स होती हैं। फूड के तौर पे मार्सिलिया यूज होता है क्योंकि स्टार्च ये काफी हद तक अपने अंदर जमा रखता है। और देखिए इक्विसिटम के बारे में बात कर रहे हैं, कहीं पे लिखा नहीं है, ये इक्विसिटम आर नोन एज स्कोरिंग फर्न। क्या होता है, इक्विसिटम की जो लीव्स होती है ना बहुत सारी, वो जैसे आपने देखा होगा विम्बार, विम्ब जिससे लगाते हैं ना वो स्कोर साफ करने का आता है, इसकी लीव्स उसी तरह की क्लीनिंग पर्पसेस के लिए यूज होती है, साथ में इससे मेटल की पॉलिशिंग भी की जाती है। ओके, ये देखिए, अब मैं आपको डायग्राम पे लेके चल रहा हूं, अब मैं आपको स्टार्टिंग में जो डायग्राम थे उनमें लेके चल रहा हूं, क्योंकि नेक्स्ट जो स्लाइड है वो हमारी जिम्नोस्पर्म है। अब मैं आपको डायग्राम में लेके चल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। देखिए ये इक्विसिटम का डायग्राम है, ये कोन का फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है। ये वाला जो आपको दिख रहा है ये फर्न का एक डायग्राम है जो कि एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ये साल्विनिया है, ठीक है, और जो ए है ये सिलाजिनिला है। इसके अंदर देखिए आपको लीव दिख रही है, स्टेम दिख रहा है, रूट दिख रहा है। ओके, मैं ये मानूं कि आपको टेरिडोफाइटा समझ में आ गया है। इफ यू हैव एनी डाउट यू जस्ट आस्क मी। अंकित कुमार, जंगल जंगल की बात अलग है। नहीं, देखिए जब भी हम आकांक्षा, हमेशा एक बात ध्यान रखो, जो भी फीमेल, एक बात ये आकांक्षा ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है,
कि मेगास्पोर का साइज बड़ा क्यों होता है, क्योंकि आगे जो आने वाला फर्टिलाइजेशन के बाद वाले जो इवेंट होते हैं ना, उसके अंदर साइटोप्लाज्म मेगास्पोर का यूज हुआ। हमेशा जो मेल गैमेट होता है उसका सिर्फ न्यूक्लियस ही फ्यूज करता है, इसीलिए आगे आने वाले डेवलपमेंट में। दीक्षा प्लीज इररिलेवेंट, अभी आप सवाल मत करो, उसके बारे में हम बात करेंगे। टाइटोफाइटा की क्लास में नहीं बताओगे क्या सर? टाइटोफाइटा पता नहीं क्या बोल गए। बिल्कुल बिल्कुल, लाइकोप्सिडाई क्लब मॉस, ये सारे मॉसेस कौन कौन से, क्या क्या, ये लास्ट में मैंने कहा था बात करेंगे। प्रतीक तुम पता नहीं कहां चले गए वॉटर हाइसेंस के केस में। बिल्कुल गुड प्राची, ओके डन, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब इसके बारे में हमने सारी बातें कर ली है, इकोनॉमिकल इंपोर्टेंस। नाउ वी आर डीलिंग विद जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म मैंने कहा टेरिडोफाइटा जो है, टेरिडोफाइटा सर मास है क्या, एग्जाम्पल मास है क्या? अभी प्लीज आपका क्वेश्चन पूरा कीजिए सर। टेरिडोफाइटा किसने कहा आपको? मुस्कान, मुस्कान प्लीज आप एक बार एनसीईआरटी जरूर चेक कीजिए इस बारे में, उसके बाद में मैं आपसे बात करूंगा। चलिए जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म आगे साहब एक और रिवोल्यूशनरी फीचर में आगे बढ़ चुके हैं हम जिम्नोस्पर्म में। और जिम्नोस्पर्म की सबसे बड़ी खासियत लर्न करनी जरूरी है। हाँ ईशिता, वेरी गुड ईशिता, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। एक्चुअली क्या है ना, आप यदि चार्ट के फॉर्म में करोगे तो सब हो जाएगा। चलिए अब हम जिम्नोस्पर्म के ऊपर ध्यान देंगे, प्लीज आप लोग फोकस कीजिए यहाँ पे। सबसे पहले दे आर हैविंग नेकेड सीड। व्हाट डू यू मीन बाय नेकेड? इसका मतलब एंजियोस्पर्म में जिस तरह से फ्रूट के अंदर सीड है, यहां पे नहीं है। रीजन आगे देखेंगे, यहां पे नहीं है। मास अभी कुमार, मास नहीं 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 नहीं, नो इधर देखिए, नेकेड सीड है जिम्नोस्पर्म के, फ्रूट नहीं होता लेकिन सीड होता है। इसका मतलब यहां पे इंटेग्यूमेंट भी है जो हमने वहां पे मिस किया, ठीक है। दूसरी चीज, यहां पे काफी लंबे टाइम तक मेगा जो स्पोर है वो मेगा स्पोरेंजियम के अंदर है। ये दो चीजें जो कि वहां पे मिसिंग थी, यहां पे आगे इसलिए सीड। दीक्षा त्रिवेदी सर आज तक मुझे समझ नहीं आया ये। दीक्षा एक बार आप वापिस इसको देखना और फिर आप पर्सनल कमेंट्स में आप डाल देना, मैं आपको दोबारा देखूंगा, ठीक है? ओके प्राची, बिल्कुल माइंड मैप दिया जाएगा सर। ट्रेडोफाइटा की क्लास कर लो, चार ही तो है पिंकी, क्या दिक्कत है, इतनी देर में तो याद हो जाती। चलिए नेकेड सीड है, ये बहुत सारी वैरायटी में है, ये छोटे से छोटे और बड़े से बड़े। सबसे बड़ा ये देखो रेडवुड ट्री क्यों कहते हैं, क्योंकि जब इसको काटा जाता है ना तो इसमें से स्क्वीजिंग लिक्विड जो निकलता है रेड कलर का होता है, तो ये ऐसा लगता है जैसे ब्लड है, ठीक है। तो रेड कलर का इसकी वुड जो है रेड कलर की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बिल्कुल ध्यान दो कि मेल और फीमेल गैमेटोफाइट की इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस नहीं होती। देखो टाइटोफाइटा में हमने क्या देखा, प्रोथेलस था, है ना, प्रोथेलस था। और प्रोथेलस के अंदर सबसे खास बात क्या है कि प्रोथेलस में मेल और फीमेल जो है सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, है ना। दूसरी चीज हमने टाइटोफाइटा में ये देखा कि यहां वहां पे मेल गैमेटोफाइट अलग है और फीमेल गैमेटोफाइट अलग हो रहा है ना, लेकिन यहां पे दोनों किसके ऊपर प्रेजेंट होंगे, वो दोनों प्रेजेंट होंगे स्पोरोफाइटिक बॉडी के ऊपर। इसका मतलब इसकी जो मेन बॉडी है वो स्पोरोफाइट है, जैसे हम हमेशा स्लाइड में पढ़ते हैं वैसे पढ़ेंगे, जस्ट होल्ड करो, सिर्फ हम अभी पॉइंट्स देख रहे हैं, उसके बाद स्लाइड्स में देखेंगे सब, ठीक है। नेक्स्ट, वेल डिफरेंशिएटेड। देखो टाइटोफाइटा के बाद में सारी वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी है। कुछ ऐसे जिम्नोस्पर्म है जो अनब्रांच्ड है जिनकी स्टेम, और कुछ की ब्रांच है। एग्जाम्पल दे रखा है मैंने, अनब्रांच का है साइकस, ब्रांच का है सिड्रस या पाइनस। सुनते जाइए, उसका सारी हम बात स्लाइड में करेंगे। नेक्स्ट, इसकी लीफ जो है सिंपल भी है, कंपाउंड भी है। कंपाउंड लीफ क्या होती है, देखिए सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ के बारे में बात करेंगे। और ये जो एनसीईआरटी का पॉइंट है इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कुछ सालों तक साइकस में पिन्नेट लीफ होती है, कुछ सालों तक साइकस में पिन्नेट लीफ होती है, बिल्कुल एनसीईआरटी का पॉइंट है। लीफ आर वेल अडेप्टेड किस चीज के लिए, ठंड के लिए भी गर्मी के लिए भी, ठीक है। ठंड में देखिए बर्फ पड़ने वाली जो जगह होती है वहां पे यदि पत्ती इतनी चौड़ी है तो ज्यादा बर्फ उसके ऊपर रुकेगी, जब ज्यादा बर्फ उसके ऊपर रुकेगी तो कितना बड़ा नुकसान है, बर्फ ऊपर है पत्तियों में तो बहुत सारा वाटर होता है, सब जम जाएगा, जब सब जम जाएगा तो मैकेनिकल इंजरी हो जाएगी टिश्यूज को, ठीक है। नेक्स्ट, यहां पे मैंने कहा ठंडी से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए संकरण स्टोमेटा प्रेजेंट है, थिक क्यूटिकल प्रेजेंट है, ताकि वाटर
ताकि वाटर का लॉस ना हो। तो ये बहुत हाई टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड्स को आराम से टॉलरेट कर सकते हैं। वापस निडल लाइक लीफ है, ये मैंने बताया किसके लिए, थिक क्यूटिकल है, ये भी मैंने बताया जेरोफिटिक के लिए। नेक्स्ट जिम्नोस्पर्म आर हेटरोस्पोरस, सारे मेगास्पोर माइक्रोस्पोर है। स्पोर आर प्रोड्यूस विद इन स्पोरेंजिया दैट आर बोर्न ऑन स्पोरोफिल, स्पोरोफिल दे आर द फर्टाइल लीव्स। और ये क्या करते हैं, स्पाइरली अरेंज होके कोन का स्ट्रक्चर करते हैं, मेल कोन और फीमेल कोन। चलो एक बात है, एक क्वेश्चन है आज का, एक क्वेश्चन पहले मैं ये समझाऊंगा आपको, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, क्या ध्यान से सुनिएगा, आपको सिर्फ यस और नो में जवाब देना, मुझे हाय कपिल आपको सिर्फ यस और नो में जवाब देना है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। क्या साइकस में फीमेल कोन प्रेजेंट है, क्या साइकस में फीमेल कोन प्रेजेंट है, आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। देखिए साइकस का ये देखिए, पाइनस का मेल कौन है, फीमेल कौन है पाइनस का, इसके बारे में बता रखा है। चलिए हम वापस अपनी स्लाइड में चलते हैं, इन पॉइंट्स के बारे में हम वापस डील करते हैं। लेकिन बात यह है, बात यह है कि क्या साइकस के पास में, फटाफट आंसर दीजिए, क्या साइकस के पास में फीमेल कौन है। ब्रजेश कुमार नो, पायल यस, वैभव गुप्ता यस, मुस्कान, मुस्कान तुम्हारा तो मुझे नहीं है, संयोगिनी यस, नेहा हाँ, फीमेल कौन है, महेंद्र सिंह यस, दीक्षा त्रिवेदी यस, माधुरी यस, वेरी गुड, कृष्ण नायक नो, शिव कुमार नो, उत्सव यस, ब्रजेश कुमार पाइनस में मैंने पूछा ही नहीं, मैंने साइकस में पूछा है, प्राची यस, गोला भाई ने सजेस्ट किया मेरे को ये चैनल, ओ कपिल इट्स ओके, गोला भाई पता नहीं कहाँ गायब है, हिमांशी यस 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 यस, ध्यान से ध्यान से, नहीं होता। साइकस में एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी के अंदर देखो, एनसीईआरटी की लाइन है कि साइकस में फीमेल कौन नहीं है, तो सवाल ये उठता है इसका मतलब फीमेल है ही नहीं वहां पे कोई, इसका मतलब यही है। हिमांशु नायक सर बोथ मेल एंड फीमेल स्ट्रोबलाई आर प्रेजेंट, रॉन्ग हिमांशु, मैंने आपको दे दिया आंसर कि साइकस में जो है वो फीमेल कौन है ही नहीं, तो सवाल ये उठता है, हाय ओजस्विनी, सवाल ये उठता है, सवाल सबसे इंपॉर्टेंट, नेहा कुमारी सवाल, पिंकी आर्या सवाल, कि वहां पे क्या फीमेल प्लांट है ही नहीं, फीमेल कौन है ही नहीं, फीमेल तो फिर कहां से बन रहा है एग, सवाल ये उठ रहा है कहां से बन रहा है एग, जब साइकस में है ही नहीं, तो एनसीईआरटी पढ़ी है उसके अंदर दे रखा है वहां पे कौन नहीं है, वहां पे है लैक्स। नाउ माय क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय लैक्स, व्हाट डू यू मीन बाय लैक्स, ये लैक्स क्या है। देखिए हमने ये बताया कि साइकस के अंदर, हमने ये बताया कि साइकस के अंदर ये जो कोन है ना ये कॉम्पैक्टली अरेंज नहीं है, साइकस के अंदर ये बिल्कुल बिखरे हुए हैं, साइकस के अंदर बिल्कुल बिखरे हुए हैं, तो वहां पे कोन का फॉर्मेशन नहीं कर रहा, वहां पे नॉन कॉम्पैक्ट जो स्ट्रक्चर बन रहा है लीफ का, उसको हम कहते हैं लैक्स। चलिए अब मैं वापस पॉइंट नंबर डाल के आपसे बात कर रहा हूं, जिम्नो के बारे में मैं पॉइंट डाल रहा हूं एक एक, तो आप बिल्कुल अपना फोकस रखिए उसमें। Then how does reproduction happen? हिमांशी, हिमांशी बिल्कुल होता है, किसने कहा, वहां पे कौन नहीं है, कॉम्पैक्ट नहीं है लीफ, बिल्कुल बिखरी हुई है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान दें आप। चलिए इधर बात कीजिए, पहला नेकेड सीड है, फ्रूट के साथ में नहीं है, पहला नेकेड सीड है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, बहुत सारे हाइट के, लंबे भी है बहुत छोटे भी है, सबसे लंबा स्क्यूआ। तीसरा पॉइंट, मेल और फीमेल जो है वो इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस नहीं रखते। चौथा, किसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, मेल और फीमेल गैमेटोफाइट, मेल और फीमेल गैमेटोफाइट प्रेजेंट है स्पोरोफिटिक बॉडी के ऊपर, तो स्पोरोफिटिक बॉडी मेन बॉडी है। पांचवा, वेल डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी है, वैस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट है। छठा, स्टेम जो होता है ब्रांच भी हो सकता है, ब्रांच भी हो सकता है। सातवा, लीफ बिल्कुल सिंपल है, सिंपल लीफ है और कंपाउंड लीफ भी प्रेजेंट है। अब देखिए सिंपल लीफ, यदि ये मिडरिब है, इस मिडरिब को बिना तोड़े हुए इस तरह की लीफ बनेगी। चलिए स्लाइड के ऊपर बात करते हैं, या छोड़िए स्लाइड के ऊपर नहीं, ये बिल्कुल लीफ जो है जिसकी मिडरिब इस तरह से हो, इंसिशन ना हो, सिंपल लीफ। कंपाउंड लीफ, ये देखिए ये मिडरिब थी लेकिन इसकी इतनी ज्यादा इंसिशन आ गया इसमें कि छोटी छोटी सी लीफलेट का फॉर्मेशन हो गया है,
इसको हम कहते हैं पिन्नेट लीफ, नीम के पास भी है, नीम के पेड़ में होती है ये पिन्नेट लीफ। ये कंप्लीट एक लीफ है लेकिन छोटे छोटे से पार्ट में क्या हो गया, डिवाइड हो गया ये। नेक्स्ट नेक्स्ट आठवां पॉइंट, लीफ वेल एडेप्टेड है किस चीज के लिए, हर चीज के लिए, हाई टेम्परेचर भी विथस्टैंड कर सकती है, ह्यूमिडिटी भी, विंड्स भी। नौवां पॉइंट, नेडल लाइक लीफ होती है सरफेस एरिया कम करने के लिए ताकि बर्फ उसके ऊपर ना रहे, ठीक है। नेक्स्ट थिक क्यूटिकल, संकर स्टोमेटा, जेरोफिटिक कंडीशन। टेंथ हिट्रोस्पोरस होते हैं, मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर प्रेजेंट होगा। इलेवन स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन स्पोरेंजिया, लेकिन ये सब कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, जो स्पोरोफिल है वो कॉम्पैक्टली अरेंज होकर स्ट्रोबिली या कोन का फॉर्मेशन करते हैं, तो इसके ऊपर या तो मेल कोन होगा या फीमेल कोन होगा। 11 के 11 पॉइंट हम बचे, आज के लिए इतना ही। कल हम देखेंगे जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल, और बहुत खुशी होती है कि आप लोग लाइक करते हैं वीडियो पर, शेयर भी तो किया करो यार, ठीक है। और कल मिलेंगे वापस इसी टाइम पे 7 बजे, 7 से 8, थोड़ा सा फोकस कीजिए, जिम्नोस्पर्म करके रखिए। 5 से 6 पहले मिलेंगे टेस्ट के लिए, फिर उसके बाद हम लोग जो है जिम्नोस्पर्म कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स अ लॉट, गुड नाइट, पढ़ते रहो, बहुत अच्छा पढ़ो और सिलेक्शन लेके जाओ। बाय।